नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाली नवदीप कौर के जिन सह आरोपी शिव कुमार के साथ पुलिस प्रताड़ना के आरोप लगे हैं, अब उनको चोट आने की पुष्टि हुई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी GMCH चंडीगढ़ ने शिव कुमार की जांच रिपोर्ट दी है, उसमें 2 फ्रैक्चर की बात सामने आई है। शिव कुमार को 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उससे 4 दिन पहले ही उनके सह आरोपी नवदीप कौर को पुलिस ने पकड़ा था। 19 फरवरी को अदालत ने सोनीपत जेल के SP को निर्देश दिया था कि शिव कुमार को GMCH में जांच करवाएं। कोर्ट का ये निर्देश शिव कुमार के पिता राजवीर की याचिका पर आया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि शिव कुमार का पुलिस उत्पीड़न हुआ था। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हावी रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को वो इलेक्ट्रिक स्कूटर से सचिवालय गईं। स्कूटर पर बैठकर गई ममता बनर्जी के गले पर बैनर टंगा था जिसमें लिखा था, आपकी जुबान पर क्या है, पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी, डीजल के दामों की बढ़ोतरी और LPG गैस की कीमतों में वृद्धि। बता दें, देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की जनता को कुछ राहत देने की कोशिश की है, जिसके तहत उन्होंने राज्य की ओर से लगाए जाने वाले टैक्स में 1 रुपए की कटौती की है। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के बीच आज सोशल मीडिया पर रोजगार को लेकर लाखों लोग ट्वीट कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर #ModiJobDo और #ModiRozgarDo ट्रेंड कर रहा है। मोदी जॉब दो हैशटैग पर 30,62,000 से अधिक लोग ट्वीट कर चुके हैं और अभी भी ट्वीट जारी हैं। बता दें, कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, जिसके बाद लोगों को रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। NCERB के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर घंटे एक आदमी बेरोजगारी, पैसों की तंगी या कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। NCERB के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। इनमें से 11,268 यानी करीब 9% आत्महत्याएं रोजगार ना मिलने की वजह से या गरीबी या कर्ज में डूबने से हुई हैं। राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान को लेकर तो BJP उन पर हमलावर थी ही, लंबे वक्त से पार्टी के खिलाफ बोल रहे कपिल सिब्बल ने भी BJP के सुर में सुर मिलाया है। सिब्बल ने ANI से कहा कि मैं उनके यानी राहुल के बयान पर टिप्पणी करने वाला कौन होता हूं, उन्होंने ये बयान दिया है और वही इस बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि किस संदर्भ में ऐसा कहा गया है, लेकिन हमें देश के मतदाताओं का सम्मान करना चाहिए और उनके विवेक या बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने आगे कहा कि मतदाता जानते हैं कि उन्हें किसे और क्यों वोट देना है। बता दें, राहुल ने केरल के दौरे पर तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि पहले 15 साल मैं उत्तरी क्षेत्र से सांसद था, तब मुझे एक अलग तरह की राजनीति करने की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना खुद को ताजा करने जैसा था और मैंने देखा कि यहाँ के लोग मुद्दों में ज्यादा रुचि रखते हैं और सिर्फ ऊपर ऊपर ही नहीं, वे मुद्दों के तह तक जाते हैं। पश्चिमी यूपी के बाद अब किसान आंदोलन को पूर्वी यूपी में भी फैलाने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन ने किसान महापंचायत करने का फैसला किया है। इसी क्रम में आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत पूर्वांचल के बस्ती जिले के मुंडेरवा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। पश्चिमी यूपी के बाद पूर्वांचल में शुरू हो रही किसान महापंचायतें BJP के लिए चिंता बढ़ा सकती हैं। केंद्र सरकार को अपने उस आदेश को वापस लेना पड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों वाले सेमिनार या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए अनुमति लेनी ही होगी। सरकार के इस आदेश का वैज्ञानिकों, अकादमिक जगत से जुड़े लोगों ने विरोध किया था। विदेश मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि इस संबंध में 25 नवंबर को जारी किया गया आदेश अब लागू नहीं होगा। बयान के मुताबिक कोरोना के चलते सरकार को कुछ प्रतिबंध लगाने पड़े थे। ये भी कहा गया है कि इस तरह के सभी कार्यक्रम कोरोना से पहले लागू रहे नियमों के मुताबिक ही होंगे। आदेश में कहा गया है कि ऐसे लोग जिन्हें भारत सरकार की ओर से अवांछित घोषित किया गया है, उन्हें कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक में हुए 14,000 करोड़ के घोटाले में वांछित नीरव मोदी को भारत को प्रत्यर्पण किए जाने को लेकर ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर अदालत आज फैसला सुनाएगी। नीरव मोदी को मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से उन्हें भारत लाने की कोशिशें चल रही हैं। PNB मामले में नीरव के खिलाफ CBI और ED दोनों ही जाँच कर रही हैं। उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को धमकाने के भी मुकदमे दर्ज हैं। कई बार की कोशिशों के बाद भी नीरव मोदी को जमानत नहीं मिल सकी थी। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 8,807 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 3 महीनों से अधिक समय में दर्ज किए गए सबसे अधिक मामले हैं। इसके अलावा एक दिन में 80 मरीजों की मौत भी हुई है, ये बीते 56 दिनों में सबसे ज्यादा है।
इससे पहले 30 दिसंबर को 90 संक्रमितों ने दम तोड़ा था। बता दें, देश में फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र ने 10 राज्यों में टीम भेजी है जो वहां के प्रशासन से मिलकर कोरोना पर काबू पाने में मदद करेगी। एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार फाइजर की कोविड वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने में 94% कारगर रही है। एक व्यापक ग्लोबल स्टडी रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। इस स्टडी में इसराइल के 12 लाख लोग शामिल थे जिन पर फाइजर के टीके का अच्छा परिणाम देखने को मिला। इन सब ने फाइजर की वैक्सीन की संक्रमण रोकने की प्रभावशीलता की पुष्टि की। तो वहीं US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी डॉक्यूमेंट में दावा किया गया है कि सिंगल शॉट जॉनसन एंड जॉनसन गंभीर कोरोना संक्रमण को रोकने में 85.9% तक कारगर है। कहा गया है कि नए किस्म के कोरोना में भी प्रभावी है। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच पिछले एक दिन में 16,738 नए मामले सामने आए हैं और 138 लोगों की जान भी गई है। अब देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,46,914 हो चुका है और कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 1,56,000 से ज्यादा हो चुकी है। अभी तक देश में संक्रमण के 1,51,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं। इसके अलावा देश में कुल 1,26,71,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। आज तक की खबर के अनुसार भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल यानी DGMO ने सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर बातचीत की है। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से LOC पर शांति बनाए रखने को लेकर सहमति बनी। ये 24-25 फरवरी की मध्य रात्रि से प्रभावी है। दोनों तरफ के DGMO ने इस बात को दोहराया कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी को हल करने के लिए हॉटलाइन पर बात और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के मौजूदा तंत्र का उपयोग किया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों ने साझा बयान भी जारी किए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भारत के साथ केवल एक ही मुद्दे पर विवाद है और वो है कश्मीर, और इस पर केवल बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जा सकता है। इमरान ने श्रीलंका के दौरे पर श्रीलंका पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच फेसबुक ने म्यांमार की सेना और उनके सहयोगियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी अब ये लोग फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बैन अनिश्चित काल के लिए लगाया गया है। फेसबुक ने इसको लेकर कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर म्यांमार की सेना को इजाजत देना एक काफ़ी जोखिम भरा काम है। बता दें, फेसबुक ने सेना के मुख्य पेज को तो पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। सेना के मुख्य पेज पर फेसबुक की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का आरोप लगा। काफ़ी दिनों से सुर्खियों में बने उस कानून को ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार पारित कर दिया है जिसके तहत फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर खबरों के लिए भुगतान करना होगा। इस कानून को लेकर काफ़ी विवाद भी हो चुका है। कुछ दिन पहले ही फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ कंटेंट दिखाने पर रोक लगा दी थी। हालांकि सरकार से बातचीत के बाद एक बार फिर से फेसबुक ने न्यूज़ दिखाने पर लगी पाबंदी हटा ली है। बातचीत के बाद कानून में कुछ संशोधन किए गए हैं। हालांकि दोनों ही कंपनियों को बड़े ऑस्ट्रेलियाई न्यूज पब्लिशर्स को पैसे देने का प्रावधान रहा है। अभी ये नहीं पता है कि इनको किस प्रकार से रुपए देने पड़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए फैसलों को बदल रहे हैं। अब बाइडेन ने ट्रंप के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें ग्रीन कार्ड वालों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। ट्रंप ने ऐसा ये कहकर किया था कि कोरोना महामारी के कारण बड़ी बेरोजगारी में अमेरिकी कामगारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। हालांकि बाइडेन ने ट्रंप के इस तर्क को खारिज करते हुए इस प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है और साथ ही कहा है कि इसके कारण परिवारों को पुनर्मिलन से रोका गया और अमेरिकी व्यवसायों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।